हेलो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज़ आकांक्षा सिंह वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू दर एफ एंड कैसे हैं आप सब अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड एंड फूड्स प्रॉपर्टीज़ तो ये लेक्चर नंबर थर्टीन है इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ़ फूड तो और इसके पहले के टेल्व वीडियोस आ चुके हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड हाँ टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपको सारे पी वहीं पर मिल जाएंगे आई एम परसुइंग माई पी एच डी फ्रॉम वसंत राव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र आई क्वालिफाइड बोथ नेट एंड एस आर एफ नाउ स्टार्ट द वीडियो फूड एंड फूड साइंस सबसे पहले फूड क्या है फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म द सब्सटेंस इज़ इंजस्टेड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड असीम्युलेटेड बाई द ऑर्गेनिज्म सेल टू प्रोवाइड एनर्जी मेनटेन लाइफ और एस्टमुलेट ग्रोथ मीन्स फूड एनी थिंग कोई भी ऐसी चीज़ है फूड जिसको जो पर्सन है वो कंज्यूम कर सकता है और वो ऐसी भी चीज़ में ऐसी चीज़ कंज्यूम कर सकता है जो उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे और जो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं या बॉडी है उनको एनर्जी प्रोवाइड करे उसकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखे और ग्रोथ को स्टमुलेट करे मीन्स फूड एक ऐसी चीज़ है जिसको कंज्यूम करने से बॉडी को एनर्जी मिले और जो हर बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिले सेल्स को मेंटेन रखे उनमें ग्रोथ इस्टमुलेट करे ऐसी चीज़ें हैं इनको बोलते हैं फूड एंड मोस्टली फूड क्या है फूड में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मीन्स बॉडी को रिपेयर करते हैं उनके टिश्यूज़ जो हैं उनको रिपेयर करते हैं ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे जो वाइटल प्रोसेस चलते हैं लाइक हार्ट बीट होना आई ब्लिंकिंग होना और जो किडनी का प्रोसेस है फिल्ट्रेशन ये सब जो वाइटल प्रोसेस हैं इनको प्रॉपरली मेंटेन रखना ऐसे चीज़ों को बोलते हैं फूड नेक्स्ट आता है फ़ूड साइंस क्या है फूड साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेकअप ऑफ मेकअप ऑफ फूड एंड द कॉन्सेप्ट एंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग हमने यहाँ पे पढ़ा कि फ़ूड क्या है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो चीज़ कंज्यूम करने के बाद बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे बॉडी को नरिश करे उसको बोलते हैं फूड एंड उसके बाद आता है फूड साइंस फूड साइंस में जो फूड हमने कंज्यूम किया है उसकी फ़िज़िकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना कि जैसे प्रोटीन था कार्बोहाइड्रेट है फैट है तो उनका मेकअप क्या है ये बने कैसे हैं इनका नेचर कैसा है और अगर फूड में प्रोसेसिंग हो रही है तो उनमें क्या चेंजमेंट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है क्या इम्प्रूव हो रहा है तो ये सब चीज़ें पढ़ना इनको बोलते हैं फूड साइंस तो ये हिंदी में है हिंदी में भी आप देख लीजिएगा एंड हाँ साथ में जो मोक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है उसकी भी एक प्ले है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप वहाँ से मोक्ट सीरीज़ का भी पूरा प्ले चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ फ़ूड फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है फ़ूड की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ फ़ूड एंड फ़ूड प्रोडक्ट्स हैव सेंट्रल रोल इन बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल एंड फ़ूड इंडस्ट्री जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं फूड की इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है मीन सिंपल फ़ूड है या फूड प्रोडक्ट है इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल फूड इंडस्ट्री इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि तो अगर आपको फ़ूड के जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी है जो उनका नेचर है उसके बारे में अगर पता ही नहीं होगा तो आप फूड को प्रोसेस कैसे करोगे उसकी बेनिफिट्स को कैसे पता करोगे तो इसलिए जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फूड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए अंडरटेकिंग दीज प्रॉपर्टीज़ इसेंशियल फॉर इंजीनियरिंग एंड सैंट टू टैकल द न्यूमरस इशूज़ इन फूड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्शन और ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन, उन लोगों के लिए जैसे फूड टेक्नोलॉजी वाले हैं इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट जो न्यू न्यू फूड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं या जो फ़ूड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं तो उन लोगों को उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो जो फूड की केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में जाने क्योंकि वो उनको हेल्प करती हैं कि फ़ूड की प्रोसेसिंग कैसे करनी है उनको प्रिजर्व करके कैसे रखना है उनकी स्टोरेज लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है उनके कंजम्पशन पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ये सब चीज़ें ये सब जो फैक्टर्स आते हैं ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से ही आते हैं कि फ़ूड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है लाइक like फ़ूड की केमिकल प्रॉपर्टी है कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो जो ज़्यादा मॉइस्चर वाला फूड है उसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते हैं तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि अगर फूड का जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो उसको फ्रीजर में फ्रीज करके रखो या फिर किसी और तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखो उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए जो बहुत सारे प्रिजर्वेशन हो गया स्टोरेज हो गया कि उनका फूड का प्रोसेसिंग है उनके वैल्यू एडिशन है इन सब चीज़ों में हेल्प करता है ये आ गया हिंदी में तो हिंदी में भी आप देख लीजिए नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड फूड की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं क्या क्या तो साइज एंड शेप वॉल्यूम एंड डेंसिटी पोरोसिटी ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैं फूड की जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे आता है साइज एंड शेप साइज एंड शेप आर इम्पॉर्टेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड दैट आर यूज इन स्क्रीनिंग ग्रेडिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड साइज एंड शेप जो साइज़ है सेप है जब अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स है लाइक आप एप्पल मार्केट में लेने गए हो तो आप उनको एप्पल को उठा के देखोगे कि उनका बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं उन पर कोई पैचेस वगैरह ना लगे हो तो ये एक विजुअल एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट है एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो तो विजुअली आप उसको मीन्स स्क्रीनिंग करना उसको देखना ग्रेडिंग करना कि हाँ जो जितने भी एप्पल हैं उसके पास उसमें कौन से अच्छे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है मीन्स बहुत ज़्यादा राइप तो नहीं है बहुत ज़्यादा अनराइप तो नहीं है मीडियम राइप होना चाहिए ये सब चीज़ें फ़िज़िकल शेप एंड साइज में आ जाती हैं। साइज इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग सॉलिड्स टू सेपरेट फॉरन मटीरियल्स इन ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड एवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ फ़ूड मटीरियल्स जैसे जो भी फ़ूड मटीरियल्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो मार्केट से आए हैं उनको फिर ग्रेड करना उनको देखना कि हाँ कि लाइक एप्पल्स ले आए तो उसमें से जो बड़े बड़े एप्पल्स हैं उनको एक का अलग ग्रेड करके रखना फिर मीडियम वाले उनको अलग रखना जो स्मॉल है उनको अलग रखना तो एक ग्रेडिंग में हेल्प करते हैं और उसके बाद अगर उनमें कुछ फॉरेन मटेरियल्स लाइक लाइक कुछ और एप्पल्स के साथ कुछ और आ गया है कुछ तो उनको भी अलग करने उनको उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करके रखना मींस तो उनको साफ़ करके रख देना ये साइजें शेप में आता है मीन्स विजुअली जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो जैसे लाइक जैसे राइस है राइस में देखो राइस को जब देखते हैं तो उसमें कभी कभी स्टोन फ्लेक्स मिलते हैं या पत्थर मिलते हैं तो इसको कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन तो ये आता है कि हाँ उसके साइज एंड शेप विजुअल एट्रीब्यूशन के या विज़ुअल इंस्पेक्शन के थ्रू जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करके बाहर करना जिससे जो फूड है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे लाइक इन फ्लूड फ्लू इट इज़ नेसेसरी टू नो द साइज ऑफ़ द सैम्पल अभी ऊपर बात हुई सॉलिड फूड की बट अगर कोई फूड है वो लिक्विड फॉर्म में है लाइक मिल्क पाउडर है ठीक है तो मिल्क पाउडर powder, जो पाउडर फॉर्म में है फिर उसको अगर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको अगर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको ध्यान में रखना है जो पार्टिकल के साइज़ हैं या जो पाउडर्ड फॉर्म में जो मिल्क है उसमें जो ये उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए क्योंकि तो जो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो वो कागलेट कर जाएंगे एक जैसे एक दूसरे के साथ मिलके एक लंप बना लेंगे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए कि वो पहले कुछ जो है वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो गए और कुछ पार्टिकल्स बड़े थे उनमें लम्पस बन गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए जो अगर मिल्क पाउडर है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो मीडियम साइज़ के होने चाहिए सब एक जैसे होने चाहिए जिनको उसमें डिज़ोल्व होने में बराबर टाइम लगे और वो कागोलेट ना करें लम्पस वगैरह ना बनाएँ एग्लोमरेशन मीन्स लम्पिंग लम्प बनाना कोगुलेट करना और डिजोल्यूशन मीन्स वाटर में कोई चीज़ डिज़ोल्व होना बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर छोटे पार्ट में टूटना और वाटर के साथ डिसॉल्व होना इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ये हिंदी में है नेक्स्ट आता है वॉल्यूम एंड डेंसिटी वॉल्यूम इज अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फूड विच अफेक्ट द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस वॉल्यूम एक दूसरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कंज्यूमर जो भी कंज्यूमर है जो भी पर्सन है कुछ प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट लेने गया है तो उसके एक्सेप्टेंस को अफेक्ट करता है वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजर्ड डायमेंशन और बाय यूजिंग वेरियस मैथड लिक्विड गैस और सॉलिड डिस्प्लेसमेंट मैथड देखो साइंस में एक हम लोगों ने पढ़ा था आकमेडीज का प्रिंसिपल उन्होंने देखा एक टब में ऐसे पानी लिया था उसमें एक सॉलिड जो सॉलिड राउंड जैसा बॉल था उसको पानी में डाला टब पूरा ऊपर तक फिल्डअप था जैसे उन्होंने बॉल को पानी में डाला तो कुछ पानी टब से बाहर गिर गया उसके बाद उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो ये सॉलिड बॉल था इसने अपने वॉल्यूम के बराबर क्योंकि टब तो पूरा फिल्ड था जैसे ही बॉल पानी में गया तो इसने इस बॉल ने अपने वॉल्यूम बराबर अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को है जो टब के बाहर गिरा दिया तो ये है कि अगर वॉल्यूम मेज़र करने का ये भी मेथड है किसके कैसे उसको डायमेंसन्स को मेज़र करना है वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड कैन ऑल्सो भी यूज फॉर मेज़रिंग द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम के साथ साथ डेंसिटी मेज़र करने में भी हेल्प करता है इससे कुछ ये सर्कल है ऊपर का तो ये मेज़र करेगा वॉल्यूम किसका वॉल्यूम वॉलीम क्या है बट पूरे इसके पूरे एरिया को मेज़र करना है इसके अंदर ये अगर पूरा सॉलिड है तो ये मेज़र करेगा इसकी पूरा जब एरिया मेज़र करेंगे उसको बोलेंगे डेंसिटी अगर सिर्फ ऊपर का एरिया ऐसे मेज़र करते हैं उसको बोलेंगे वॉल्यूम तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है फूड की जो फूड को अफेक्ट करती हैं फूड की एक्सेप्टेंस में ये आ गया हिंदी में तो हिंदी में भी आप देख लीजिए नेक्स्ट आता है पोरोसिटी पोरोसिटी मीन्स पोर्स पोरोसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी करेक्टराइजिंग द टेक्स्चर एंड क्वालिटी ऑफ ड्राई एंड इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड पोरोसिटी से जो ड्राइनेस है या मॉइस्चर है फूड की इसको मेज़र करते हैं और ये तीन डिफरेंट टाइप के पोर्स होते हैं क्लोज्ड पोर दैट आर क्लोज फ्रॉम ऑल साइड जैसे केक हो गया उसमें पोर्स होते हैं बट उसके ऊपर क्रीम चढ़ा देते हैं चारों तरफ से बंद हो जाते हैं तो ये मेज़र करते हैं कि जब केक जब उनको कट करके उसको खाते हैं या उसको टच करते हैं तो उसको एक पता चलता है कि हाँ केक ड्राई है मॉइस्चर है नहीं है तो पोरोसिटी मीन्स ऑल पोर्स आर क्लोज ब्लाइंड पोर्स इन विच वन एंड इज क्लोज मीन्स लाइक uh, like कुछ प्रोडक्ट है उसमें एक साइड से सारे पोर्स क्लोज हैं और ऐसे ऊपर ऊपर पोर्स खुले हुए हैं देन थर्ड आता है फ्लो थ्रू पोर्स दैट आर ओपन एट बोथ एंडस मीन्स कोई फूड प्रोडक्ट्स है उसमें पूरे सारे पोर्स ऐसे ओपन हैं अगर एक तरफ से कुछ लिक्विड इंसर्ट करते हैं तो दूसरी साइड से लिक्विड बाहर आएगा तो ये जो पोर्स होते हैं स्पेशली ये मॉइस्चर और ड्राइनेस को मीन्स ऐसे जो है मॉइस्चर और ड्राइनेस को मेजर करते हैं और पोर्स जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करने में या ड्राइनेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देन हिंदी में देखिए हिंदी में है नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इन टू अनदर टाइप इज अ केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स जो फूड में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक जो स्टार्च है जब उसको हीट करते हैं तो वो ब्रेक होकर डेक्सट्रिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे ये स्टार्च की केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो स्टार्च से डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो रहा है द केमिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स फ्लेमेशन फ्लेमेबिलिटी टॉक्सिसिटी एसिडिटी रिलेटिविटी एंड हीट और कॉम्बसन ये सब सारी जो हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फूड की इसका एक एग्जाम्पल है आयरन कम्बाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म रस्ट लाइक आयरन को अगर वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ छोड़ दो तो आयरन के ऊपर रस्ट लगने लगती है तो आयरन जो है यहाँ पे वाटर के साथ कंबाइन करके रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है जैसे एप्पल को कट किया वो एक्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर ब्राउनिंग लेयर बनने लगती है टैनिंग होने लगती है तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है तो केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना या फिर एक नेचर से दूसरे नेचर में चेंज होना इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी उसके बाद आता है कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज एनालाइज इन फूड कुछ कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो फूड में पाई जाती हैं वो है पीएच एसिडिटी फैट एंड ऑयल क्वालिटी एंड फैट कंटेंट पीएच एसिडिटी पीएच मींस मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन द पीएच इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन फूड पीएच जो है वो इंडिकेटर होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो है फूड में प्रेजेंट है लाइक like जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है जो कैन uh, करके जिनको फूड को प्रिजर्व किया जाता है उनकी पी होती है अबाउट टू फोर पॉइंट सिक्स या फिर उससे भी कम क्योंकि इनकी पी इसलिए कम होती है क्योंकि इनमें क्लोस्ट्रीडियम बॉटलिनम नाम के जो माइक्रो ऑर्गनिज्म हैं उनसे इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो लाइक like, जो कैंड प्रोडक्ट्स हैं ठीक है थीके? जिनको केनिंग करके प्रिजर्व किया गया है उनकी जो पीएच होती है वो फोर पॉइंट सिक्स से कम होती है कि जब फोर पॉइंट सिक्स से कम होगी तो फूड जो है एसिडिक होगा जब ये एसिडिक होगा तो इस पर कोलस्ट्रोडियम बॉटलिनम नाम का जो माइक्रो ऑगनिज्म है वो इसको इन्फेक्ट नहीं करेगा अगर इसकी पी एच इंक्रीज़ करेगी ज़्यादा हो जाएगी मीन्स फाइव सिक्स सेवन तब इस पर कोलेस्ट्रोडियम बॉटलिनम का जाइक्रो ऑग्निज्म है वो अटैक करेगा और फ़ूड को इन्फेक्ट कर देगा इसीलिए जो कैंड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पीएच हमेशा कम होती है एसिडिक फॉर्म में होते हैं पीएच ऑल्सो अफेक्ट फ्लेवर कलर एंड टेक्स्चर ऑफ़ फ़ूड पेच जो है वो कलर फूड के फ्लेवर कलर और टेक्सचर को भी अफेक्ट करती है लाइक like जैसे एग है जो एग की जो पीएच होती है जो एग वाइट है वो सेवन टू नाइन के बीच में रेंज करती है मीन्स बेसिक होती है देन लाइक like, ले लिया कुछ एसिडिक टर्म है लाइक like लेमन ले लो तो लेमन की पीएच टू टू थ्री फोर तक रेंज करती है ठीक है तो ऐसे चीज़ें जो पीएच जब रेंज करती है तो उनके फूड का फ्लेवर टेक्स्चर और कलर भी चेंज होता है तो ये हिंदी में है देन आता है फ़ैट एंड ऑयल क्वालिटी द फैट एंड ऑयल क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एंड टाइप ऑफ ऑयल यूज जो फ़ैट और ऑयल की क्वालिटी है ये डिपेंड करता है कि फूड में जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो ऑयल और फ़ैट कैसा है मीनस गुड क्वालिटी फ़ैट और ऑयल है बैड क्वालिटी का फ़ैट एंड ऑयल है या फिर जो टाइप ऑफ प्रोसेसिंग जो फूड में प्रोसेसिंग हुई है वो कैसी है तो जब गुड क्वालिटी के फ़ैट एंड ऑयल यूज़ होंगे तो जो उनमें फ़ैट और ऑयल की क्वालिटी होगी वो गुड क्वालिटी होगी तो हाई फ़ैट प्रोडक्ट्स आर मोर ससेप्टेबल टू रैनसिडिटी और फूड में या फूड प्रोडक्ट में जितनी ज़्यादा फैट होगी वो रेनसिडिटी जो फूड जो फ़ैट की वजह से जो फूड खराब होते हैं उनमें कोई ऑफ फ्लेवर डेवलप होता है या तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी तो जितने ज़्यादा हाई फैट होगा फूड में जितना ज़्यादा हाई ऑयल कंटेंट या फैट कंटेंट होगा फूड रेंस फूड के रेंसिड होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे रेंसिडिटी इज मेजर्ड बाय द परऑक्साइड वैल्यू एंड टी बी ए टेस्ट परऑक्साइड वैल्यू मीन्स जो फूड फूड में जो ऑयल या फैट प्रेजेंट है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू मेजर करना है इस पर ऑक्साइड वैल्यू एंड टी बी ए टेस्ट ये थियो बारब्यूट्रिक एसिड टी बी ए का फुल फॉर्म होता है थियो बारब्यूट्रिक एसिड जो मेजर करता है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है या जो भी फैट और ऑयल है उसमें कितना डिग्री ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो रेंसिडिटी की अमाउंट ज़्यादा होगा और फूड के जो रेंसिड होने के चांसेस हैं उतने जल्दी ज़्यादा होंगे रेंसिडिटी रिफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन अ वे विच इज़ ससेप्टेबल टू ऑक्सीजन डैमेज रेंसिडिटी मीन्स फूड कोई फूड है ठीक है इसमें फैट एंड ऑयल प्रजेंट है ऑयल प्रजेंट है ये फिर रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ इसमें जब फिर रेंसिड डेवलप होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डैमेज या ऑक्सीडेशन ठीक है जी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जो ऑक्सीजन की वजह से जो रेंसिडिटी होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसीडिटी दिस टाइप ऑफ रेंसिडिटी इज कॉल्ड ऑक्सीडिटिव रेंसीडिटी यहाँ पर जो दिया है कि जो फूड ऑक्सीजन के साथ डैमेज कर जाते हैं उनमें जो रैंसिडिटी होती है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए नेक्स्ट आता है फैट कंटेंट इट इज़ मेजर्ड यूजिंग इक्विपमेंट दैट कैन इवेलुएट सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फूड फैट कंटेंट एक इक्विपमेंट होता है जो फूड में फैट के कंटेंट को और ऑयल के कंटेंट को मेजर करता है कि फैट जो है फूड में ज़्यादा तो नहीं है फैट हैज़ नो डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिफाइंग पॉइंट बिकॉज दे आर सच कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड्स ईच ऑफ विच हैज़ अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट जो फैट बना होता है वो मिक्सचर ऑफ ट्राई एस्टर्स इन सबसे मिलकर बना होता है और हर सारे ट्राई का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है इसीलिए जो फ़ैट है उसका कोई डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है उसमें वो डिपेंड करता है कि जो फैट जो बना है उसमें किस टाइप के ग्लिसराइड्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हिंदी में है नेक्स्ट आता है फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़ूड फंक्शनल प्रॉपर्टीज मीन्स जो डिस्क्राइब करती हैं कि फ़ूड में जब कुकिंग हो रही है या प्रिपरेशन हो रहा है तो उसमें क्या चेंजमेंट हो रहे हैं ड्यूरिंग फूड के प्रिपरेशन या कुकिंग के टाइम उनमें क्या चेंजमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़ूड तो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आता है डेक्सट डेक्स्टनाइजेशन डेक्स्ट्राइजेशन मीन्स जब स्टार्च को जब हीट ट्रीटमेंट देते हैं स्टार्च को जब हीट देते हैं या गर्म करते हैं तो स्टार्च जो है वो डेक्सट्रिन में टूटने लगता है और वो ब्राउन कलर ब्राउन कलर का होने लगता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्टनाइजेशन और हाँ अभी मैं इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप चाहें तो लेके उनको लिख भी लिख भी सकते हैं अलग से तो शॉर्ट नोट में हेल्प करेगा देन नेक्स्ट आता है फ्लेवर फ्लेवर मीन्स टेस्ट ऑफ फूड लाइक जैसे फूड में सॉल्ट ऐड किया सैलड में सीजनिंग ऐड किया तो उनका जो टेस्ट इंप्रूव हो जाता है उसको बोलते हैं फ्लेवर फ्लेवर मीन्स टेस्ट ऑफ फूड जेलिंग मीन्स जो फ्रूट्स हैं सॉलिड फूड को उनको प्रिजर्व करना इन द फॉर्म ऑफ जेल उसको बोलते हैं जेलिंग लाइक like, जो फूड में पैक्टिन प्रेजेंट होता है जैसे गुआवा में है पैक्टिन है तो गुआवा जेली बना लिया फिर गुआवा को ऐसे इन द ऐसे ही प्योर फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में प्रिजर्व करके रखना तो बहुत ज़्यादा दिनों तक उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं तो गुआवा की जेली बना के उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं उसको बोलते हैं जेलिंग देन आता है क्वेगुलेशन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होना फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड जैसे एग है जो एक जो रॉ एग होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बॉयल कर दो तो वो सॉलिड हो जाता है तो ये है कॉगुलेशन उसमें लिक्विड प्रोटीन प्रेजेंट थी जब उस पर हीट ट्रीटमेंट हुआ तो कॉगुलेट करके सॉलिड में चेंज हो गया सो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड मीन्स स्पेशली प्रोटीन चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड उसको बोलते हैं क्वागुलेशन जैसे चीज़ बनाना एग बॉयल करना ये सब कॉगुलेशन में आता है देन आता है सॉर्टनिंग एडिंग फैट फैट और वेजिटेबल ऑयल इन फ्लोर या जैसे केक बनाते हैं बिस्किट बनाते हैं तो उसमें जो फ्लोर होता है रिफाइंड फ्लोर ऑल पर्पोज फ्लोर उसमें फ़ैट मिलाते हैं या वेजिटेबल ऑयल मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्टनिंग देन आता है एरेशन जब केक बनाते हैं तो जो उसमें जो फ्लोर बनाया था या डो बनाया जो भी बैटर बनाया उसको एक डायरेक्शन में उसको बीट करते हैं उसमें एयर को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे उस जो केक बनाएंगे वो स्पंजी हो पोरस हो तो ये एयर को ऐड करना एडिंग एयर टू समथिंग जो भी केक का डो है बैटर है उसमें एयर को ऐड करना उसको बोलते हैं एरेशन देन रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर मीन्स जो फूड में मॉइस्चर रिटेंशन हो रहा है फूड में कितनी मॉइस्चर है जैसे कोई फूड है उसमें शुगर प्रेजेंट है तो शुगर का मेन करेक्ट्रिस्टिक होता है वाटर को बाइंड अप बाइंड करके रखना तो जो शुगर वाले फूड होते हैं वो वाटर को बाइंड करके रखते हैं तो वो उसमें मॉइस्चर रिटेन रहती है और जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर वाले जो फ़ूड होते हैं फ़ूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन उन पर माइक्रो ऑर्गेजम्स के अटैक का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मीन्स माइक्रो ऑर्गनिज्म जो हैं ज़्यादा मॉइस्चर वाले फूड्स को जल्दी अटैक करते हैं और उनको जल्दी डैमेज करते हैं देन आता है कैरामलाइजेशन जब शुगर को हीट करते हैं मोर देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट टू वन डिग्री सेंटीग्रेड तो वो कन्वर्ट होने लगती है ब्राउन कलर में और क्रिस्टल फॉर्म में उसको बोलते हैं कैरमलाइजेशन देन आता है प्रिजर्विंग टू कीप समथिंग सेफ किसी चीज़ को प्रिजर्व करके सेफ करके रखना उसको बोलते हैं प्रिजर्विंग लाइक पिकल वगैरह है उसमें सॉल्ट विनेगर एड कर सोडियम सब ऐड करके उसको प्रिजर्व करके रखना उसको बोलते हैं प्रिजर्विंग देन आता है डी नेचुरेशन डी नेचुरेशन मीन्स नेचर में डी मीन्स कुछ चीज़ है जो उसका लॉस होना नेचुरेशन मीन्स जो प्राइमरी नेचर है उसका लॉस होके सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं डी नेचुरेशन जैसे कोई प्रोडक्ट है लाइक स्टार्च है जब उसको हीट करेंगे तो वो डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होने लगता है मीन्स जो स्टार्च था वो प्राइमरी नेचर था उसका उसके बाद डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो रहा है उसका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं डी नेचुरेशन मीन्स जो अपना खुद का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगना ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रेशर लाइक उस पर हीट दिया फ्रीज किया या कोई और ट्रीटमेंट किया तो उसकी वजह से कोई एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जब प्राइमरी स्ट्रक्चर अपना मेन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो भी सब्सटेंस है वो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर छोड़ के सेकेंडरी और टर्सट्री स्ट्रक्चर में चेंज होने लगे उसको बोलते हैं डी नेचुरेशन देन आता है ग्लूटेन फॉर्मेशन जब वीट फ्लोर में वाटर को ऐड करके फ्लोर को नीड करते हैं या गूंथते हैं तब उसमें ग्लूटेन का फॉर्मेशन होता है जब तक फ्लोर में वाटर ऐड नहीं करेंगे तब तक उसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन नहीं होगा वीट फ्लोर में ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन ये दो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन जब इनमें वाटर ऐड करते हैं तो ये ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन कंबाइन करके ग्लूटेन बनाती हैं और इस ग्लूटेन की वजह से जो सॉफ्ट जो डो होता है उसमें इलास्टिसिटी आती है सॉफ्टनेस आती है देन आता है प्लास्टिसिटी मीन्स प्लास्टिसिटी नाम से ही हो रहा है कि प्लास्टिक जिसको इजीली किसी भी फॉर्म में या किसी भी शेप में मोल्ड कर सकें उसका जो फॉर्म है उसको चेंज कर सकें जैसे फैट है सॉलिड है अगर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो उसका दूसरा शेप है उसको फिर लिक्विड करके किसी और शेप में मोल्ड कर सकते हैं तो मीन्स ऐसा चीज़ जिसको ईजिली किसी दूसरे शेप में मोल्ड कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी देन आता है फ्लैकीनेस फ्लैकीनेस मीन्स फ्लेक्स जैसे बोलते हैं ना हेयर कट कराना है तो फ्लेक्स कट करना है फ्लेक्स मीन्स लेयर्स फ्लेक्स मीन्स लेयर जैसे एक सिंपल सी कॉमन सी मिठाई है सोन पापड़ी उसको जब उसमें देखो उसमें लेयर्स निकलती हैं उसको बोलते हैं फ्लैकीनेस लेयर्स होना उसको फ्लैकीनेस देन आता है सेंसरी एट्रीब्यूट्स फूड के सेंसरी एट्रीब्यूट्स क्या हैं जिसको हम सेंस मीन्स ऐसे ही देख के या फील करके बता सकते हैं लाइक like अपियरेंस है टेक्स्चर है एरोमा है टेस्ट है, है. एरेडिएशन है ये सब चीज़ें हैं ये हैं सेंसरी एट्रीब्यूट्स जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी एट्रीब्यूट्स ओके देन थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू जैर इज़ सिंह तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं वे टू जैर इज़ अ यूट्यूब चैनल तो चैनल तो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी गुड लक थैंक यू बाय बाय